अग्निपथ योजना को लेकर अभ्यर्थियों को भड़काने के मामले में कई कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद अब ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाली कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी गई है। यह रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर देना है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से 3 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी है। बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर से मांगी गई जानकारी के आधार पर सभी जिलों से यह रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मालूम हो कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलों के कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद उनकी धरपकड़ की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 4 कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है। 1 कोचिंग संस्थान पर आयकर अधिकारियों ने भी सर्वे किया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल ने बताया कि इन जिलों में बगैर रजिस्ट्रेशन के ही सैकड़ों कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों का शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, इस कारण यहां मनमाना शुल्क है। शिक्षकों की योग्यता से लेकर शुल्क की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इन संस्थानों में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करने वालों पर 5,000 से लेकर 2,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के आरडीडी जीवेंद्र झा ने बताया, जिले में कोचिंग संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभी से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बैठक होगी। इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। ये खबर आई है कि फिलहाल जो दंगा या घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सारे जो कोचिंग हैं हमको नहीं कह सकते हैं, कुछ न कुछ कोचिंग संचालक हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसे कि न्यूज़ में आ रहा है। तो उसके संदर्भ में हमने पता किया है, अपने प्रमंडल अंतर्गत सभी जिला से रिपोर्ट मांगा है कि 2010 में जो बना था कोचिंग संचालन के लिए नियम बना था या अधिसूचना हुआ था विभाग से, शिक्षा विभाग से, उसके आलोक में जिलावार कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है कोचिंग संस्थान का और कितना बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। तो अभी तक किसी खास जिला से रिपोर्ट, किसी भी जिला से रिपोर्ट अभी एक्यूरेट नहीं आया है। कुछ लोग दूरभाष पर बताया है, सर 5,000 रुपये का ड्राफ्ट कुछ जमा है पहले से, लेकिन एक स्थापना समिति होती है जिसके हेड डीएम होते हैं, तो उनके यहाँ गया और प्रस्ताव पर मीटिंग का डेट नहीं मिला, जिस और कारण से टलता गया है। जल्द ही हम लोग समिति मिले जाएंगे, डीएम की अध्यक्षता वाली जो समिति है, और निबंधन का कार्य अपडेट कराते हुए फिर हम सूचित करेंगे। ये जिला से आई है तो हमने अभी निर्देश दिया है प्रत्येक जिला को, और जो ही आ जाएगी तो उसके बाद ही कुछ डाटा बता सकते हैं। वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, इन जिलों में जो है धरल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस पर नकेल कसा पाए? बिल्कुल ज़रूरत है। जब सरकारी तंत्र इतना तत्पर है, इसके लिए इतने ऊर्जा लगा रही है, जबकि शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उसका शैक्षिक स्थिति कैसे बदले, शिक्षा विभाग में जो एक छवि पहले हुआ करती थी उसमें कुछ अंतर आया है, और उसके लिए प्रधान सचिव स्तर से विभागीय मंत्री पूरा समय दे रहे हैं। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो पूरा सुधारने का काम कर रहे हैं, और इस बीच में आकर के शिक्षा जगत में ही कोचिंग संस्थान बीच में आकर के उसको कहीं ना कहीं अंतर डाल रहा है। जो शिक्षा की छवि बनती है वह भी धूमिल होती है, तो निश्चित रूप से इस पर कड़ाई करना होगा। जो नियम बना है उसके अधीन ही संचालित होंगे, और जहां नियम के विरुद्ध कोई संचालित होगा उसको बंद कराया जाएगा।